कुरकुरी और मज़ेदार आलू टिक्कीज आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि हर बार ये बिल्कुल क्रिस्पी बने। आलू टिक्की के लिए हम लेंगे बॉयल्ड आलू। आलू बॉयल करने के बाद मैंने उसको इमिजिएटली प्रेशर कुकर से निकाल दिया था ताकि उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रहे। ये इम्पॉर्टेंट है, वरना आपकी टिक्कीज सॉफ्ट बनेंगी। तो अब आप मोटा ग्रेटर लें और उससे अपने आलूओं को ग्रेट करें, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैश करेंगे तो आपको वो फ्लेवर और टेक्सचर नहीं आएगा, तो आप ये सेकेंड टिप हमेशा ध्यान रखें। अब ग्रेटेड आलूओं में हम डालेंगे सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स, आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, उसी के साथ नमक और हरी मिर्ची। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे बेसन। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और फ्लेवर भी देगा। इसी के साथ हम डालेंगे राइस फ्लार यानी चावल का आटा। चावल का आटा बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देता है, तो आप जब भी पकोड़े बनाएं, टिक्की बनाएं, आप थोड़ा सा राइस फ्लार उसमें ज़रूर डालें। वो बाइंडिंग के साथ साथ बहुत कुरकुरी बनाएगा आपकी इन टिक्कियों को। अगर आपके पास राइस फ्लार नहीं है तो थोड़े से चावल लेके आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करें ताकि उसका एक फाइन पाउडर बनके तैयार हो। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें, आलू जो मैंने लिए थे वो ठंडे हो गए थे बॉयल होने के बाद, उससे डो बनाना इजी होता है। अब आप इनकी टिक्कियाँ बनाएं जितनी बड़ी या छोटी आप चाहते हैं। मैं अराउंड 70 ग्राम की एक बना रही हूँ, तो इतने मिक्सचर में हमारी 7 आलू टिक्कीज बनके तैयार होंगी। तो आप इसको गोल आकार दें और साइड से और ऊपर से प्रेस करें। अब ऑयल को हम करेंगे मीडियम हॉट। ऑयल आपका ज़्यादा भी तेज़ गर्म नहीं हो और हल्का भी नहीं। अगर ज़्यादा तेज़ होगा गर्म तो आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी, और अगर कम होगा तो वो ज़्यादा तेल अब्सॉर्ब करेंगी और कुरकुरी नहीं बनेंगी। तो अब आप इनमें डालें अपनी आलू टिक्कीज। मैंने इनको इस पॉइंट पे हिलाया बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं, कोई भी स्लरी नहीं लगाई है, इसको कोट नहीं किया है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आलू टिक्कीज बनती हैं वो इसी तरह से बनती हैं। तो अभी हमारे आलू सॉफ्ट हैं। आप देखें 2 मिनट बाद नीचे अब हल्का गोल्डन कलर आ गया है। आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी डालें। आप ध्यान रखें, ये जो आलू टिक्कीज होती हैं ये कुरकुरी होती हैं, रेगुलर आलू टिक्की से ये ज़्यादा सिकी हुई होती हैं, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई करें। देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें, तो इसी तरह से आप दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई करें। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आप देखें दोनों तरफ से मैंने टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। 3 मिनट लगे मुझे एक तरफ से फ्राई करने पे, इनको मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है। अब आप इसको निकालें। टिश्यू आप इसके नीचे नहीं रखें, वरना आपकी टिक्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्कीज बनी है। इनको आप इंजॉय कर सकते हैं मीठी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ। ये बर्गर्स में भी आलू टिक्कीज बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।